22 तारीख को अयोध्या में मंदिर में राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सारा ब्रह्मांड राममय हो गया है, तो हमने भी सोचा कि हम भी अपनी खुशी जाहिर करें। तो भारत विकास और श्वेता शिल्प कलागन दोनों मिलकर राम रूप सज्जा का वर्कशॉप 2 दिन का, तत्पश्चात कंपटीशन में 1st, 2nd, 3rd प्राइज भी दिया जाएगा और संतना पुरस्कार भी। लड़कियों ने एक स्टूडेंट के ऊपर, दूसरी स्टूडेंट ने, मेकअप के स्टूडेंट्स ने रूप सज्जा किया, जो भी संसाधन उपलब्ध थे। बहुत ही अच्छा प्रयास था। ये रूपाली हैं, हमारी मेकअप की स्टूडेंट हैं, और कुमकुम है मेरी स्टूडेंट, ये भी मेकअप और मेहंदी सीखती हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हुनर से रोज़गार देती हूँ, और मेरे यहाँ 75% लड़कियाँ और महिलाएँ निम्न आय वर्ग की होती हैं, जो सोचती हैं कि मैं हुनर सीखूँ और हुनर से रोज़गार उत्पन्न करूँ। मैं निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ और अपने संसाधन से ही सिखाती भी हूँ। सिखाने के बाद मैं इनको सर्टिफिकेट देती हूँ एग्ज़ाम लेने के बाद। बहुत सिंपल मेकअप किया है इन्होंने राम जी के अनुकूल। एक तरह से इनका एग्ज़ाम है, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताना था, सिवाय फाइनल टच करने और उस बाद में थोड़ा सा करेक्शन करने का। पूरी लड़कियां मेकअप कर रही थी, पूरे क्लास में मेकअप हो रहा था, लेकिन फाइनल वीडियो या फोटो एक साथ नहीं बना सकती थी, क्योंकि इतने सारे ऑरेंज दुपट्टा और ये सब चीज़ें, थोड़ा सा एक्सेसरीज वगैरह सामान वगैरह जुटाना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए वीडियो और फोटो भारी भारी से बनाया गया। लेकिन क्लास में सारी लड़कियां, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, सारी लड़कियां राम रूप सज्जा कर रही थी। ये राम रूप सज्जा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर करें। इस समय ठंड भी बहुत पड़ रही है, बहुत कम लड़कियां आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो हाथ बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से मेकअप करवाना, वो भी राम जी के कुछ कपड़ों, कुछ गर्म कपड़े और ये सब, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठंडा के दिन में, सर्दी के दिनों में। और लेकिन बस करना है तो करना है, हमें भी अपनी खुशी जाहिर करनी है, हमें भी जो 500 वर्षों बाद हमारे मंदिर में राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इसकी हम सबको बड़ी खुशी है और बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं। हमारा यह एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नायाब तरीका होगा अपने श्वेता शिल्प कला केंद्र के माध्यम से खुशी व्यक्त करने का। आप सब भी हमारे इस खुशी में शामिल हों और बताएं कि हमारी लड़कियों की यह मेहनत कैसी आपको लगी और रूप सज्जा कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। मैं इंस्टा माधुरी श्रीवास्तव 74 पर भी हूँ। आप भी राम की रूप सज्जा मेकअप करके, राम का रूप सज्जा करके आप हमें टैग कर सकते हैं इंस्टा पे। और मैं, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है शिप्रा श्वेता कुकिंग, मैं जहाँ तरह तरह के डिलीशियस रेसिपी बनाती हूँ, आप वहाँ पर भी जा कर के और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और तरह तरह के रेसिपी का रसास्वादन ले सकते हैं।
ठंड है, स्किन बहुत रूखा रूखा सा हो रहा है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। अब ये कलर से, फेविक्रिल कलर से, एक्रेलिक कलर से डिज़ाइन बनाया जा रहा है राम का, जो जिसको त्रिमुंड कहते हैं, जो त्रिशूल सा बनता है, इसको बना रही हैं लड़कियां वाइट और रेड कलर से। ठंड में हाथ भी नहीं काम कर रहा है और मैं खुद आज बहुत ठंडा गई। 4 बजे तक मैंने ये वर्क किया है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, प्यारा लग रहा है। लीजिए, डेकोरेशन करके तैयार हो गए हमारे राम जी। आपको कैसे लगे? मुझे तो राम जी का स्वरूप, राम जी का ही स्वरूप है, अच्छा ही लगना है और मैं सिखा रही हूँ, लेकिन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। संसाधन हमारे पास जो भी थे मैंने उसको यूज किया है, क्योंकि मैं केवल क्लास लेती हूँ, मैं पार्लर वाली नहीं हूँ। मैं NGO श्वेता शिल्प कला केंद्र चलाती हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाती हूँ और निशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ, तो मेरे पास संसाधन भी बहुत कम होते हैं और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। आप केवल मेकअप पे ध्यान देंगे, बड़ी प्यारी लग रही हैं कुमकुम। राम जी का रूप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है। चलिए मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूं। चौड़ा है ना ये चौड़ा है। अब मेरा हाथ थोड़ा सा लगा है जहाँ मुझे बहुत कमी लग रही है। मैं फिनिशिंग के बाद आपको मेकअप में थोड़ा सा और निखार आ जाएगा। हालांकि मात्र 1 घंटे में तैयार करना था, ये मेकअप करना था, बहुत जल्दी जल्दी करना था इन लोगों को। 1 घंटे का टाइम दिया गया था और सभी लड़कियां सामान भी नहीं ला पाती हैं। और आईलाइनर अब सही हो गया, तो मुझे सामान भी देना पड़ता है। करेक्शन करिए, ये जो चीज़ है ना, ये हौच पौच हो जाता है, या इसको या क्लीन कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए जहाँ कमी हो रही है। मैं करेक्शन बता रही हूँ, उसके बाद करेक्शन होने के बाद आप देखिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।